A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapar, Badalganj. Today we are going to discuss chapter number 6, molecular basis of inheritance, topic the DNA. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as base pairs present in. तो कल भी बताया था डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। और डीएनए का लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, वो कितना उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो लेंथ ऑफ डीएनए से हम लोग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियोफाज 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। आई एम वेरी सॉरी, ये जो सिंबल है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है किसको क्या कहते हैं, आई थिंक थीटा या कुछ ऐसे कहते होंगे। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज मतलब क्या होता है, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो इस बैक्टीरियोफाज के पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 5386। इसी तरह बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स। इस चर्चिया कोलाई हैज 4.6 × 10⁸ बेस पेयर्स एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अभी कल ही बताया था कॉपी के अंदर कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है डीएनए के अंदर। लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, अ नाइट्रोजिनस बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो कल ही बताया था डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉली मतलब कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर वो चेन बनी हुई है। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है क्या, सबसे पहले एक नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स भी बताया था, पिरिमिडिन्स भी बताया था। देन पेंटोज शुगर, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर था। अगर आरएनए है तो क्या होगा, राइबोस, और डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस। और सबसे लास्ट में क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर सिर्फ शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो 2 तरह का प्यूरिन है, कौन कौन सा, एडेनिन और ग्वानिन। अब पिरिमिडिन क्या है, 3 तरीके का है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। क्योंकि आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता है, थायमिन को कौन रिप्लेस कर देता है, यूरेसिल। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, साइटोसिन कॉमन है, डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। और थायमिन कहां पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन, यानी कि आरएनए के अंदर यूरेसिल किसको रिप्लेस करता है, थायमिन को। अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ अनग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन। जो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर का जो बॉन्ड होता है, जैसे ये नाइट्रोजिनस बेस है, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस यहां से कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, तो कार्बन नंबर 1 वाला जो नाइट्रोजिनस बेस होता है और कार्बन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये तो कल मैंने आप लोग को बताया ही था कि न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा तो क्या क्या नाम रखा जाएगा, ये सारा कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। मैंने फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5' OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर इज फॉर्म्ड. टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू अ 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड. तो पहले इसको बता देते हैं फिर एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. ठीक है, तो ये वाली बात हो रही थी कि न्यूक्लियोसाइड होगा तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, और न्यूक्लियोटाइड होगा तो टाइड एसिड हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइलिक एसिड, साइटिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड. तो उसके बाद न्यूक्लियोटाइड हम लोग को बनाने आ गया था, यानी न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस. तो ठीक है, तो इसी तरह हम लोग न्यूक्लियोटाइड की कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं. यहाँ पे तो तीन ही है, इसके नीचे 300 भी हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे. इसी एज सच ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या होंगे, अरेंज होते जाएंगे चेन के अंदर. तो यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि जो ये रिंग स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, इसमें चार कार्बन तो रिंग के अंदर होते हैं, अब पांचवा कार्बन कहाँ होता है, रिंग के बाहर. तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फिफ्थ नंबर कार्बन पे अटैच होता है जो कि रिंग से बाहर है. तो अगर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्बन नंबर फोर है. कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फोर के बाहर ये कार्बन नंबर फाइव है जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को एक्सपैंड करके लिखा गया है, तो OH, OH और डबल बॉन्ड O के साथ. तो जब रिएक्शन होगा, यानी किसके बीच में, शुगर के बीच में और किसके बीच में, OH ग्रुप के बीच में, तो ये एसिड है और ये क्या है, शुगर का जो OH है. ये कल भी बताया था, जो शुगर के पास OH है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, और जो एसिड के पास जो OH है वो क्या है, इनऑर्गेनिक, यानी वो अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है. शुगर का OH अल्कोहलिक ग्रुप है. तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा जिसमें कि वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा. तो यहां से OH और H ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे, वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा, O. ठीक है, तो ये ही O जो है वो किससे जाके जुड़ जाएगा, इस फॉस्फेट से बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, तो ये बॉन्ड ही क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. जैसे कि ये जो ऑरेंज वाला बना है, तो ये है ना कार्बन नंबर फाइव का जो फॉस्फेट है, ये ओ से जाके कार्बन नंबर थ्री के ओ से जाके क्या है, अटैच हो गया है, 1, 2, 3 कार्बन नंबर पे. यहां से ये और क्लियर हो जाएगा, यहां पे मैंने बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाया है कि ये कार्बन नंबर वन है, टू है, ये कार्बन नंबर थ्री का OH है और ये कार्बन नंबर फाइव के फॉस्फेट ग्रुप का OH है. द OH ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विल रिएक्ट विद OH ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर. यानी फॉस्फोरिक एसिड का OH किससे रिएक्ट करेगा, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर का OH से. द OH ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट अ अल्कोहल व्हाइल OH ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज अल्कोहल. अभी बता दिया कि फॉस्फोरिक एसिड का जो OH है वो अल्कोहल नहीं है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो OH है वो अल्कोहल होगा. व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन विल हैपन एंड फॉस्फोरिक एसिड विल लूज इट्स OH व्हाइल डीऑक्सीराइबोज शुगर विल लूज इट्स हाइड्रोजन. यानी जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब कि वाटर का लॉस हो जाएगा. तो फॉस्फोरिक एसिड अपना OH जो है वो खो देगा और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो अपना हाइड्रोजन लॉस कर देगा. नाउ ऑक्सीजन इज लेफ्ट एंड फॉस्फोरिक एसिड विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ ये फॉस्फेट है और ऑक्सीजन जो है ये अकेला रह गया है. ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन अकेला हो गया. ठीक है, ये ऑक्सीजन अकेला हो गया. अब फॉस्फेट जो है वो जाके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा. तो फॉस्फेट और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, एस्टर बॉन्ड. फिर कार्बन नंबर फाइव पर, जो कार्बन नंबर फाइव है वो जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो भी क्या होता है, एक एस्टर बॉन्ड होता है. तो दो एस्टर बॉन्ड होने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं, डाईएस्टर. और फॉस्फेट ग्रुप है इसीलिए बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड.
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप विल ऑलवेज बी फ्री इन द चेन एंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड OH विल बी ऑलवेज फ्री। यानी कोई भी अगर आप न्यूक्लियोटाइड की चेन ले लो, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो न्यूक्लियोटाइड की चेन पे जो पहला वाला फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, और समझ लेते हैं कि ये जितनी भी लंबी चेन है लेकिन ये हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, तो लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का OH और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट हमेशा फ्री होंगे, ठीक है। यही फॉस्फेट और OH ही रिएक्टिव ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट और कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप हमेशा फ्री होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसको किसी से बॉन्ड नहीं बनाना है, तो ये फ्री है। नहीं, इस वाले न्यूक्लियोटाइड के नीचे कोई और न्यूक्लियोटाइड है तो ये इसका भी OH ग्रुप क्या है, फ्री है, बॉन्ड बना फ्री है, उसे कोई बॉन्ड नहीं बनाना है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप, ये हमेशा फ्री होंगे। फॉस्फेट ग्रुप एट कार्बन नंबर 5 एंड OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 विल ऑलवेज बी फ्री एंड दीज बोथ आर रिएक्टिव ग्रुप्स। तो ये OH और ये फॉस्फेट, ये हमेशा क्या होंगे, फ्री होंगे। सो वी कैन से दैट कार्बन नंबर 5 एंड इज फ्री एंड कैन बी कॉल्ड एज 5' एंड ऑफ द चेन एंड कार्बन नंबर 3 एंड इज ऑल्सो फ्री सो इट कैन बी कॉल्ड एज 3' एंड ऑफ द चेन। यानी कि ये वाला एंड कार्बन नंबर 5 का जो फॉस्फेट है ये फ्री है, तो इसको क्या कह सकते हैं, 5' कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये फॉस्फेट अटैच है ना, और ये फ्री है, तो इसको क्या कहेंगे, 5'। और ये क्या है, कार्बन नंबर 3 पे OH प्रेजेंट है, तो ये क्या है, 3'। तो 5' वाला क्या होता है, हेड, और 3' वाला क्या होता है, टेल। जैसे यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, फॉस्फेट है, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, 3' वाला क्या है, टेल है। दिस चेन हैज अ प्रॉपर हेड एंड टेल। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है, ये क्या है, इसका एक सर पैर होता है, ऐसा नहीं कि ये बेसिर पैर का स्ट्रक्चर है। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा क्या बनाता है, सर बनाता है, और जो OH ग्रुप है वो क्या बनाता है। सो बट DNA इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल चेन, इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स। यानी हम लोग DNA को क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स है, दो चेन है, दो हेलिक्स है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, तो ये ऐसा दिखता, लेकिन DNA के अंदर ऐसे दो चेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। वी नो दैट DNA's बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हम लोग को पता है कि DNA का जो बैकबोन होता है, बैकबोन जैसे हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है ना, वैसे ही DNA का भी वर्टिब्रल कॉलम है। तो DNA का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे बना हुआ है, शुगर से और फॉस्फेट से। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये क्या है, ये DNA की बैकबोन है, ठीक है। तो DNA क्या है, अभी बताया, ये ऐसे है फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन। तो अगर यहाँ पे भी, जैसे कि अगर नीचे वाले डायग्राम में देखे कि यहाँ पे है फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन, अगर इसी तरह सेम ऐसे इधर भी लिख दिया जाए, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट के बीच में तो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी घुमा देना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो है वो नाइट्रोजिनस बेसेस कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। नाइट्रोजिनस बेस हमेशा दूसरे नाइट्रोजिनस बेस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो एक साइड में न्यूक्लियोटाइड को इस पैटर्न में लिखेंगे और जो दूसरी वाली चेन होगी वहां पे इस न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा लिखेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और कार्बन नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे न्यूक्लियोटाइड्स लिखेंगे तो सबके नाइट्रोजिनस बेसिस इधर होंगे और
और नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तीन तरह के बॉन्ड दिखते हैं हमें न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर डीएनए। एक शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्ड जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि डीएनए के अंदर शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, यानी ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं इनके बीच में किस कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और नाइट्रोजिनस बेसिस और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एस्टर बॉन्ड होता है और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर। तो दो जगह क्योंकि एस्टर बॉन्ड मिलता बनता है इसलिए डायस्टर, और फॉस्फेट ग्रुप के अटैच हो जाने से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। इफ इन द डीएनए चेन फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन अरेंजमेंट विल बी रिटन इन द सेम पैटर्न, नाइट्रोजिनस बेसिस विल नॉट बी एबल टू फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। यानी कि जैसे अगर एक चेन ऐसे है PSN, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन, फिर दूसरा जो चेन है उसको भी इसी पैटर्न में लिखे फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन, तो बॉन्डिंग किसके बीच में बनेगी, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा नाइट्रोजिनस बेस किससे बनाएंगे, दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से ही। तो हमें क्या करना होगा, एक चेन में तो इस पैटर्न में लिखेंगे, दूसरे चेन में क्या करेंगे, पैटर्न को रिवर्स कर देंगे, यानी इसको क्या करेंगे, ये ऐसे है ना, इसको उल्टा घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन शुगर और फॉस्फेट। इन द चेन विच इज रिवर्स द फॉस्फेट ग्रुप विच इज फ्री एट कार्बन नंबर 5, द फॉस्फेट विल बी अटैच टू डाउनवर्ड साइड फॉस्फेट। यानी कि अगर आप ये वाला डायग्राम देखें तो यहाँ फॉस्फेट जो है वो ऊपर अटैच है, ठीक है, अपने से ऊपर वाले ऊपर, लेकिन जब आप चेन को रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जब ये चेन उल्टी हो जाएगी तो ये जो फॉस्फेट है वो नीचे वाले ओ से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहाँ वाला फॉस्फेट ऊपर वाले ओ से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो रिवर्स वाले चेन वाला फॉस्फेट होगा वो नीचे वाले ओ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार फॉस्फेट ऊपर है तो 5- ऊपर और OH नीचे है तो 3- नीचे। फिर जब रिवर्स वाले चेन में क्या हो जाएगा, जो टेल है OH वो है ऊपर और 5- क्या है, नीचे है। डीएनए चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड देन दे आर अटैच टू ईच अदर सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो डीएनए के चेन्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। एक तरफ अगर 5- होगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 3-, ठीक है, इसी तरह ये क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल है, पैरेलल चेन्स नहीं है। अगर पैरेलल होते तो हेड ऊपर होता, टेल नीचे होता हमेशा, लेकिन जब डीएनए की जो चेन बनती है तो ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, और क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। द बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ टू चेन्स विल नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि जो दो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। जैसे फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजिनस बेसिस का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ टू चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म। दोनों चेन्स के जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए, अगर कोई पूछे कि डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप 2D स्ट्रक्चर देखोगे डीएनए का तो वो ऐसा दिखेगा, सीढ़ी की तरह, लेकिन हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हम लोग की बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो BDNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और मोस्ट कॉमन डीएनए स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और भी तरह के डीएनए स्ट्रक्चर, जैसे ZDNA भी होता है, तो वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को सिर्फ BDNA पढ़ना है। सो दिस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाई वॉटसन एंड क्रिक, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है।
तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन है, थोड़ा मैथमेटिकल है ये चीजें, जो ये डीएनए के ये जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड होगा, एक फोल्ड ये एक फोल्ड ये, जब दो फोल्ड्स मिला के डीएनए का एक टर्न होता है, ठीक है, यानी कि यहां से देखिए तो पहला फोल्ड फिर यहाँ पे दूसरा फोल्ड। अब ये क्या है, जब ऐसा ही एक और बनेगा तो टू टर्न लिखेंगे, तो वन टर्न इज इक्वल टू क्या होता है, 10 नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी 3 4 5 लिखा होगा, तो दोनों साइड अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे और 20 बेस पेयर्स, ठीक है, 10 नाइट्रोजिनस बेसेस इज इक्वल टू 20 बेस पेयर्स, ये वन टर्न में होगा। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। इस टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, जो ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 10⁻¹ होता है, या आई थिंक 10 होता है, ऐसे कुछ होता है, एंगस्ट्रॉम का एक बार चेक कर लीजिएगा यूनिट। दिस लेंथ ऑफ डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच ऑफ डीएनए, दैट इज 3.4 नैनोमीटर। यानी कि ये जो 3.4 नैनोमीटर है, ये जो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, इसी को क्या कहते हैं, पिच ऑफ डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे लेंथ ऑफ डीएनए की जगह पिच ऑफ डीएनए कितना होता है, तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम बता सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। अगर डीएनए का टोटल लेंथ क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 34 को किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बेसिस क्या है, 10 है, और 34 एंगस्ट्रॉम टोटल लेंथ होती है डीएनए की, डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगल बिटवीन टू टू बेस पेयर्स, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने अगर गोल सीढ़ी देखी होगी, तो गोल गोल सीढ़ी जो है वो एंगल पे एक दूसरे से अटैच है, तो बेस पेयर्स के बीच का एंगल कितना होता है, अगर टोटल एंगल देखा जाए सर्कल का, तो वो क्या होता है, 360 डिग्री, और 10 बेस पेयर्स हैं, तो 10 बेस पेयर्स को 360 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक्स विद एनसीईआरटी। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।